नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। वो कौन कौन सी राशियां हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं वो भी जानेंगे पंडित जी से विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अपने ज्वाइंट फैमिली का चित्र घर के पूर्वी दीवार पर लगाइए। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सबका एक ज्वाइंट चित्र घर के ईस्ट वॉल पे पूर्वी दीवार पर लगाइएगा। ऐसा करने से परिवार में प्रेम बढ़ेगा और परिवार में रिश्तों के टूटने की संभावना नहीं रहेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 30 अगस्त यानी शुक्रवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 5:56 तक चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 11:34 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। चूंकि शुरुआत में आपको जानकारी दी है कि बृहस्पति की राशियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो बृहस्पति की राशियां कौन सी हैं और उनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले विशेषता के बारे में जान लेते हैं पंडित जी। बिल्कुल, कुल मिला के ज्योतिष में 12 राशियां हैं और ज्यादातर ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि है, राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। देखिए, बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, जैसे सूर्य अग्नि तत्व का, चंद्रमा जल तत्व का, बुध पृथ्वी तत्व का, वैसे ही बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है। बृहस्पति दो राशियों के स्वामी हैं। बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, और मीन राशि जल तत्व की राशि है। वैसे तो दोनों ही राशियां बृहस्पति की राशियां हैं, लेकिन बृहस्पति धनु राशि में ज्यादा मजबूत होते हैं और शक्ति के लिहाज से धनु ऊर्जावान राशि है। एनर्जी लेवल धनु राशि में ज्यादा होता है। मीन राशि सॉफ्ट राशि है, सौम्य राशि है। ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि बृहस्पति की जो ये दो राशियां हैं, धनु और मीन, इसमें धनु को हम पॉजिटिव साइड की राशि, सकारात्मक राशि मानते हैं और मीन को हम निगेटिव साइड की राशि, नकारात्मक साइड की राशि मानते हैं।
और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल की शुरुआत कर लेने की। सबसे पहले पहली तीन राशियों का वक्त जानेंगे, मेष वृषभ मिथुन की बारी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ होगा, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत तो कर ही चुके हैं पंडित जी के साथ। सबसे पहले ये जानते और समझते हैं कि बृहस्पति की पहली राशि जो कि धनु है, उसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है और वो हम सबको प्रभावित कैसे करती है पंडित जी। अब बृहस्पति की दो राशियां हैं धनु और मीन। पहले जानते हैं कि बृहस्पति की जो पहली राशि है 9वें नंबर पे आती है धनु राशि, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं। देखिए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इसकी आकृति कैसी है, आगे का जो हिस्सा है वो पुरुष का हिस्सा है, हाथ में धनुष लिए हुए, और कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो अश्व का, घोड़े का हिस्सा है। यहां पर सूर्य व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। धनु राशि के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और धनु राशि वालों के जीवन में अच्छा सूर्य उनको भाग्यवान बनाता है। धनु राशि वालों के पास साहस बहुत होता है, ज्ञानी बहुत होते हैं, कैलकुलेशन गणना बहुत अच्छी करते हैं और इनके अंदर नेतृत्व का, लीड करने का गुण भी पाया जाता है। धनु का मतलब क्या है, जिसके हाथ में धनुष हो, जो युद्ध करने को तैयार हो। इसीलिए धनु राशि के ज्यादातर लोग सेना में, पुलिस में, जहां अटैक करने की जरूरत है, जहां साहस दिखाने की जरूरत है, ऐसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं। धनु वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
इस राशि के लोगों को सलाह लेकर के एक माणिक्य जरूर पहनना चाहिए। धनु राशि वालों को सामान्यतः माणिक्य सूट करता है और अगर ये सलाह लेकर के एक माणिक्य पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और धनु राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। ये भगवान सूर्य की जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। इनका वक्त कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के विवाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की समस्या दूर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं जिसका आपको अक्सर इंतजार रहता है। आज के शो का पहला प्रश्न, कौन से दर्शक की समस्या का समाधान पंडित जी कर रहे हैं सबसे पहले जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कल्याण मंडल जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 1 सितंबर 1998 9:22 रात को, झारग्राम पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैंने बॉटनी पढ़ी है, बीएड किया है, क्या मैं बैंकिंग के सेक्टर में जा सकता हूं क्योंकि मैं टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहता, किस तरह का करियर मुझे बनाना चाहिए। कल्याण, वैसे तो आपकी कुंडली में टीचिंग में जाना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जरूर जा सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। अभी लगभग 26 साल के आसपास उम्र हो रही है, 1 साल तैयारी करिए, 2026 के शुरुआती समय तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार
हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के सिलसिले के साथ, और आज के शो का दूसरा प्रश्न भी जान लेते हैं, पंडित जी तक पहुंचा है। और उससे पहले आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न अगर पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बारी है दूसरे प्रश्न की पंडित जी। जी अगला प्रश्न रितेश कुमार शर्मा जी ने हमें बाराबंकी से लिखा है। 9 जुलाई 2000 का जन्म है, 6:50 शाम को प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि शिक्षा में बार बार मेरे अड़चन आ रही है, किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए और आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। रितेश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके शिक्षा में, आपके करियर में जो दिक्कतें हैं, ये केवल फरवरी 2025 तक हैं, इसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कोई टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें, आईटीआई कर लें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जाना, या सिविल इंजीनियरिंग या ऐसे किसी तकनीकी क्षेत्र में जाना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार रोज शाम को, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। और चलिए चर्चा तो हमारी लगातार जारी ही है, अब बारी आती है ये पूछने की पंडित जी से कि बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन। अब मीन की खासियत क्या है और मीन वाले कैसे प्रभावित होते हैं इस वजह से, वो बता दीजिए पंडित जी। आपको पहले बताया कि बृहस्पति की दो राशियां धनु और मीन। धनु बृहस्पति की पॉजिटिव साइड की राशि है और मीन बृहस्पति की निगेटिव साइड की राशि है। मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति है। चंद्रमा यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और चंद्रमा यहां पर पूरी तरह से बैलेंस के मूड में होता है। इस राशि के पास, मीन वालों के पास ज्ञान बहुत होता है, अक्सर ग्लैमरस होते हैं, कला का गुण, क्रिएटिविटी का गुण और शिक्षा का गुण इनके पास पाया जाता है। मीन वाले बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और बड़े अच्छे हीलर भी होते हैं, यानी दूसरों के रोग को, तकलीफ को दूर करने की क्षमता मीन वालों के पास अक्सर पाई जाती है। अक्सर देखा गया है कि 40 वर्ष के पहले इनके भटकने का समय होता है, अक्सर भटकते हैं युवावस्था में, यंग एज में इनके भटकने की संभावना बहुत होती है। प्रेम मोहब्बत के चक्कर में भटकते हैं और लोग इन्हें धोखा देते हैं। हाँ, ऐसा देखा गया है कि 40 के बाद, 40 के बाद इनको सही दिशा मिलती है और इसके बाद जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। दो समस्याएं इनकी बड़ी जबरदस्त हैं। पहली, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो पाती। और दूसरे, बहुत जल्दी इमोशनली ट्रैप होते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं के जाल में फंसते हैं और दूसरे इनका शोषण कर बैठते हैं, कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि मीन राशि है
तो सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना, इन दोनों में से एक रत्न आपको जरूर पहनना चाहिए। भगवान शिव की उपासना इनको जरूर करनी चाहिए। अगर ये भगवान शिव की निरंतर उपासना करें तो इनका कल्याण होता है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, किसी मित्र के सहयोग से सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर आपकी भी राशि धनु है और जीवन में तमाम प्रकार की परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए इनसे बचने के लिए? पंडित जी देखिए, धनु राशि को महर्षि जैमिनी बड़ी डेंजरस राशि मानते हैं। उतार चढ़ाव की, दुर्घटनाओं की, आकस्मिक पतन की राशि धनु मानी जाती है। डेंजर, खतरा इनके साथ हमेशा बना रहता है। इसीलिए ज्यादातर धनु वालों को आप देखेंगे कि जीवन में दुर्घटना जरूर होगी, ऑपरेशन जरूर होगा, जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत होंगे। तो धनु वालों को हमेशा उतार चढ़ाव से और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। धनु राशि आकस्मिकता की राशि है। अचानक जीवन में बड़ा संकट आ रहा हो या आ जाए, समझ जाइए धनु राशि इन्वॉल्व होगी। इनको रोज प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, चांदी जरूर धारण कर लेनी चाहिए, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा कुछ ना कुछ जरूर पहन लें और अधिक से अधिक भगवान शिव की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। धनु राशि वाले जीवन में सडन डाउनफॉल से, दुर्घटनाओं से
और सर्जरी इत्यादि से बचकर रहें तो इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि अगर आपकी राशि मीन है तो जीवन में समस्याएं आ रही होंगी, उनके लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए पंडित जी? अब अगर आपकी राशि मीन है और जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो उनसे कैसे बचेंगे? मीन राशि वालों को भावनात्मक समस्याओं से, इमोशनल प्रॉब्लम्स से बचाव करना चाहिए। अक्सर अपने मन के कारण कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मीन राशि में डिप्रेशन होने की और डिप्रेशन की वजह से बीमारियां होने की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें। मांस मदिरा, नॉनवेज फूड और अल्कोहल, इससे आप जितना ज्यादा बचें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए बारी आती है अंतिम तीन राशियों का वक्त जान लेने की। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। मकर राशि, इस समय यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न, कोई दिक्कत है अगर आपको, उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो पंडित जी तक अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं पंडित जी से ही। कौन से दर्शक का है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न जगदीप सिंह जी ने हमें लिखा है, जगराव से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 99, 9:30 प्रातः जगराव।
ये कह रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य में निरंतर समस्या बनी रहती है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। जगदीप जी, वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेट की समस्या को लेके, डाइजेशन की प्रॉब्लम को लेकर के आप परेशान हैं। खान पान का बहुत ध्यान दीजिए, साफ पानी पीजिए, बाजार में खाने पीने की जो वस्तुएं मिलती हैं उनके प्रयोग से थोड़ा परहेज करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुष्मिता ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 13 अगस्त 1980 का जन्म है, प्रातः काल 5:07 कोलकाता। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, उसे कैसे बेहतर करूं, और मन हमेशा किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। सुष्मिता, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, जहां तक विवाह का मामला है, वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, उसको लेके परेशान मत होइए। अभी बहुत समय लगेगा उसे बेहतर होने में, लेकिन शांति और धैर्य बनाए रखेंगी तो जिंदगी चल जाएगी। जो आपका मन बार बार परेशान होता है बुध की वजह से, या बेवजह के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उससे निपटने के लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह थोड़ा समय निकाल करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए मंगलकारी होगा। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 30 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर लगातार बेहतर होता जाएगा, आर्थिक स्थिति में और कर्ज के मामलों में सुधार होगा, स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं संभवतः रह सकती हैं। साल के अंत में संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के बीच में प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं? देखिए, सामान्यतः मंत्र अगर मानसिक रूप से आप जप कर रहे हैं तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मंत्र जप के बीच में गला सूखता है
जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से दो घूंट जल पी सकते हैं। ज्यादा जल मत पीजिएगा, दो घूंट जल पीना आपके लिए पर्याप्त होगा। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से 30 अगस्त यानी शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन और कर्ज के मामले में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी को ज्ञान है कि हम बात करते हैं आपकी गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि यानी आप सबकी गुडलक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसे होते हैं। आज की गुडलक राशि है मीन। इनके संबंध अपने भाई बहनों के साथ सामान्य होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सही समय पर अपने भाई बहनों की तरफ से सहायता मिल जाती है। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आप तक पहुंच गई हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की। जान लेते हैं आज का महा उपाय कौन सा है पंडित जी। जी आज का महा उपाय है कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई है और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करें। एक दिन का उपवास रखें और उपवास वाले दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी इस बात का संकल्प लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गलती का प्रायश्चित वास्तव में हो पाएगा। तो पंडित जी इस महा उपाय को हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए और तमाम जानकारियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।